हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका गाइस यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का। गाइस आर्क, ओ भाई क्या आईडिया है ना भाई, सफेदी की दुकान दिखाई दे रहे हैं बाहर तरफ। तो गाइस आपके लिए लेके आ चुका हूँ आर्क एलिमेंटल का एक और नया एपिसोड गाइस। लेकिन गाइस आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे फटाफट गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस 160,000 सब्सक्राइबर का जो गोल है वो जल्द से कंप्लीट कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गेमिंग विद आने के चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उनके चैनल को भी जाके जरूर से चेक आउट कर लेना। तो चलिए भाई लोग करते हैं आज का एपिसोड यहां पे बिना किसी देरी के शुरू एंड फुल टू, तो भाई मजा देते। तो गाइस यहाँ पे आज के एपिसोड में मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या टीम। वैसे पिछले एपिसोड में जो ना मैं अपनी बॉस फाइट जो ना वो फ्लॉप चली गई थी। अबे यार क्या ही है भाई, ये तो नॉर्मल है, वाटर वाला है, वाटर वाले डायनो भाई रेड रेड कलर के। गाइस यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन जो है ना भाई डायनो का, वो काफी ज्यादा ओपी लग रहा है यार भाई। कलर के ऊपर जो है ना भाई, मेरे को हर एक डायनो जो ना वो टेम करने का भाई मन कर रहा है इनका कलर देख के। लेकिन गाइस आज जो है ना भाई हम यहाँ पे मैं स्पाइनो टेम करने की सोच रहा था, स्पाइनो वाले में आया हूँ तो। लेकिन मेरे को भाई उतने खास अट्रैक्टिव ऐसा भाई स्पाइनो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नेचर एक अरे कौन है भाई, रुक जाओ रे भाई, कौन सा था, नेचर था क्या यार? तो नेचर रहा था, वाटर है भाई। अगर नेचर वाले डायनो मिल जाते ना तो हमारे लिए काफ़ी सही रहेगा भाई, वाटर ही है भाई। ठीक है चलो, तो गाइस अपन जो ना नेचर वाला, ये रहा गाइस, ये रहा नेचर वाला डायनो भाई। ठीक है, अभी आप बोलोगे नेचर वाला डायनो क्यों चाहिए, क्योंकि नेचर वाले डायनो से जो ना गाइस अपन क्या करने वाले पता है क्या यहाँ पे? ओके बड़े डायनो से। अबे यार ये क्या हो रहा है, रुको कोई तो इफेक्ट पड़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा कौन सा। ठीक है चलो, वो इफेक्ट गया भाड़ में। अपन को जो ना गाइस यहाँ पे नेचर वाले इसेंस मिल चुके हैं और एक क्रिस्टल भी मिल चुके हैं। अभी इसेंस से अपन क्या करेंगे बताए क्या, थोड़ी सी जो ना अभी ट्रैंक बना लेंगे, क्योंकि मैं ट्रैंक बना सकता है यहाँ पे। ठीक है Here we go। ठीक है गाइज, एंड अभी जो ना भाई मेरे नारकोडी खत्म हो चुके हैं, तो और ज़्यादा मैं ट्रैंक नहीं बना सकता। अभी मेरे को जो ना भाई इन ट्रैंक्स का यूज़ करके यहाँ पे उस खतरनाक से स्नो आउल को टेम करना है। यहाँ पे पीटी जो है ना उतना ज़्यादा खतरनाक वाला मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे को जो ना भाई यहाँ पे उस स्नो आउल जो है ना भाई, वो सफेदी की दुकान है गाइज, वही स्नो आउल वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। एंड आज जो ना भाई मैं उसी को टेम करने के लिए यहाँ पे जाने वाला हूँ। रस्ते में अगर और कोई खतरनाक सा, वैसे मेरे पास एक प्लाज्मा वाला भी डायनो है, प्लाज्मा वो ड्रैगन ड्रैकोबी को जो भी होता है ना वो है भाई। लेकिन उसका डैमेज जो है ना गाइस, कल अपन ने ट्राई मारा था उतना ज्यादा अच्छा नहीं निकला था यार, बहुत ज्यादा ही टट्टी था। इसलिए जो ना भाई हम उसको टेम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्नो आउल को टेम करेंगे। थोड़ा सा जो ना पहाड़ी के ऊपर जाके देखता हूँ, अगर कुछ अच्छा कलर का मेरे को स्नो आउल वहां पे दिखा ना तो मेरे लिए सही रहेगा गाइस। ठीक है भाई साहब, आए आए आंखों में रोशनी जा रही है भाई, यहाँ पे आंखों में रोशनी जा रही है गाइस। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई अच्छे कलर का स्नो आउल यहाँ पे दिखता है ना तो उसको टेम करूंगा। यहाँ पे स्नो वाले काफी डायनोस है बे, स्टेगो था, मीविंग था। ओके ये अर्जी का कलर काफी कूल है यार, काश ऐसा कलर का स्नो आउल मिल जाए भाई। लैग मार दिस थोड़ा गेम। ओके नहीं गाइस, मेरे को स्नो आउल तो दिखाई नहीं दे रहा। मेरे हिसाब से मेरे को उसी स्नो आउल को टेम करना पड़ेगा, लेकिन उसको टेम करना ना काफी ज्यादा मुश्किल है भाई। उसको ट्रैप करके कर सकता हूँ मैं, यही है क्या वो 180 लेवल, यही है क्या? नहीं आई थिंक ये नहीं है भाई, ये कुछ ज्यादा ही सफेदी की दुकान है भाई। ये नहीं है गाइस, ये नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही सफेद सफेद दिख रहा है भाई। पीछे साइड में जो ना भाई एक और स्नो आउल को मैं मार रहा था। अबे ये तो दोनों सेम ही है, लेकिन इसका थोड़ा टॉर्पर मैंने चढ़ाया और ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो एक काम कर लेता गाइस, थोड़ा सा वो नीचे भी बैठ चुका है। एरो निकाल, एरो निकाल भाई, वो नहीं भाई 200 वाली नहीं भाई, वो 25 वाली। अगर इनका टॉर्पर उतना ज़्यादा नहीं गया ना तो मेरा भाई यहाँ पे बैंड बजने वाला है गाइस। ठीक है देख लेते, चलो चमक तो रही है भाई एरोस, नाइस। ओए वाओ वाओ ड्यूड, टॉर्पर तगड़ा जा रहा है गाइस, टॉर्पर तगड़ा जा रहा है भाई, इसके काफ़ी ज़्यादा तगड़ा जा रहा है भाई। मैं एरो ये वेस्ट नहीं कर सकता गाइस, कुछ भी हो जाए मैं जो एरोज है ना गाइस ये वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इनका डैमेज भी जो है ना भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा जा रहा है एरो का। ठीक है, भग रहा है क्या? नहीं भग रहा, नहीं भग रहा, काफ़ी बढ़िया। आई थिंक ये भगेगा अभी, अभी भगेगा, अभी भगेगा। पीछा कर, पीछा करते हुए एरो मारना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस। ठीक है, अबे यार हाँ चल चल सीधा अंदर घुसा। ओके लगी क्या? नहीं लगी, नहीं लगी यार, वो जब लगती है ना तो आवाज़ आता है ऐसा डुडुम जुम ऐसा खर्च करके भाई। ठीक है ले बेटा, नाइस, काफ़ी बढ़िया। अरे नीचे एरिया क्लियर कर, नीचे एरिया क्लियर कर। ओके नीचे एरिया में कोई भी नहीं है, लेट्स गो भाई साहब। गाइस इजी पीसी भाई, ये ट्रैंक एरोज जो है ना बनाने के बाद अपना काम जो है एकदम 25 हो चुका है बेटा। कि चेतर को सुपेरियर की बल, अरे अब भी बना के देता भाई, मेरे पास मेटल तो भर भर के पड़ा हुआ है। ये रहा ना एफएम की सुपेरियर की बल, हाँ भाई
ले भाई साहब, अरे कुछ ज्यादा ही बना दिए भाई, मेटल सारा खत्म हो गया। लेकिन कोई ना गाइस, अपने पास आ चुका है खतरनाक सा स्नो आउल ब्रो। हेलो एंड ये ले बेटा, ओ हंगर, ओ ये हंगरी भी बना देता है, मैं भूल गया था। ये जो एरोज है ना भाई, वो डायरेक्टली भाई डायमंड्स को हंगरी बना देती है। तो गाइस ये रहा स्नो आउल। एंड तेरे पेलेट बिलेट कैसे मिलेंगे रे पापा? आई थिंक इसको मार के देखता, आगे एक स्नो आउल था ना उसको मार के देखता कि मेरे को उसका पिलेट बिलेट कुछ मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि इन्हीं पिलेट से जो है ना भाई मैं यहाँ पे टेम करने वाला हूँ गाचा को। खास करके जो है ना भाई मेरे को भाई एलिमेंटल समथिंग कुछ तो गाचा है ना, उसके लिए मैंने स्नो आउल को टेम कराया गाइस, ठीक है, ताकि मेरे को जो है ना उसकी पिलेट बिलेट मिल सके। भाई स्टोन नहीं चाहिए भाई, पिलेट पिलेट पिलेट। अबे यार ये पे तो था वो, ये पे तो था वो स्नो आउल। वेट अ मिनट गाइस, भाई कितनी ज़्यादा रोशनी आँखों में चुभ रही है भाई इसके आग। भाई अभी भाई थोड़ा सा ग्राफिक अच्छी कर दिया ना तो भाई रोशनी रोशनी हो गई यार तरफ। अभी ये पे तो स्नो आउल था भाई, काय रे हाय रे मेरी फूटी किस्मत। मेरे को लगा था भाई ये वाला एपिसोड बड़े आराम से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ होने नहीं वाला लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को जो चीज़ चाहिए थी स्नो आउल वो यहाँ पे जो है ना गाइज हमको मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। शायद मेरे को स्नो आउल को मारना पड़ेगा गाइज, ठीक है, शायद मारना पड़ेगा। मैं देखता गाइस एक और स्नो आउल जो है ना गाइस यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता। मेरे को ट्रांसमीटर लगाना चाहिए यार मेरे बेस पे, अगर मेरे बेस पे ट्रांसमीटर लगा दूंगा ना तो हम डायनोस को बड़े आराम से यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। फिर भी देखता गाइस यहाँ पे स्नो बायो में मेरे को एक हाथ तो स्नो आउल जो है ना बड़े आराम से मिल ही जाना चाहिए शायद भाई, ठीक है रुक जाओ देख लेते हैं ढूंढ लेते हैं। 2 hours later गाइस मैंने पूरा का पूरा ही भाई स्नो बायो भाई छान लिया, लेकिन मेरे को यहाँ पे अर्जेंट डेविस के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मेरे को जो ना भाई ग्रिफिन दिखाई दिया था, लेकिन वो ग्रिफिन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को स्नो आउल चाहिए गाइज। इसका पेलेट्स विलेट्स कैसे मिलते पता नहीं भाई। ये जो पॉटी करेगा वो चाहिए क्या अपन को? शायद इसकी पॉटी चाहिए गाइज हमको। ऑलराइट मेरे को ऐसा लग रहा है स्नो आउल की जो ना पॉटी खाएगा वो, मे बी देख लेते। चलो यहाँ पे फायर वाला यूटी भी है, ठीक है चलो गाइज मैं जो ना भाई सीधा बेस पे निकल लेता हूँ। एंड वहाँ पे जो ना गाइज हम देख लेते हैं कि स्नो आउल के पेलेट बिलेट जो भी चीज़ है ना गाइज वो कैसे बनती है। आई थिंक इसकी जो पॉटी होगी ना उससे बनेगा शायद। एंड यहाँ पे आई थिंक मैं स्नो आउल का जो ना गाइज सैडल नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे को जो ना गाइज यहाँ पे शायद मेरे को पता नहीं है जेम्स की ज़रूरत पड़ेगी। रुक जाओ, स्नो आउल के सैडल के लिए नहीं जेम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बड़े आराम से मैं स्मिदी के अंदर बना सकता हूँ। ओके काफ़ी बढ़िया, मेरे को भाई लगा था इसके लिए मेरे को जेम्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके डन डना डन डन। इसेंस भी सेंस इसके अंदर ही डाल दूँ क्या? ये फालतू के इसेंस जो है ना फालतू की नहीं है भाई, ये काफ़ी काम के इसेंस है, इसी के अंदर डाल देता हूँ। साइड में जो ना अपन खींच लेंगे इनको। ओके डन डना डन डन, ये रहा स्नो आउल का सैडल। एंड गाइज ये रहा अपना खतरनाक सा स्नो आउल। अभी इसके जो पेलेट बिलेट जो है ना भाई वो कैसे बनेंगे कहाँ से मिलेंगे ये पता नहीं गाइज, ठीक है देख लेते। चलो चलिए पॉटी करेगा तब मिल जाएंगे हमको। ऑलराइट हियर वी गो, ओवर वेट है सर जी। ऑलराइट इसके वेट में एक दो पॉइंट डाल देते हैं, इसका थोड़ा सा स्टैमिना बढ़ा देते हैं, इसके हेल्थ में पॉइंट डाल देते हैं। एंड आई थिंक ये पॉटी करना भाई, पॉटी बिटी नहीं करता क्या पॉटी? आई थिंक भाई जब हेल्थ कम हो जाती है ना तो पॉटी करना लग जाती है भाई डायनोज, लेकिन ये पॉटी नहीं कर रहा गाइज। हेल्थ कम होने के बावजूद जो है ना पॉटी नहीं कर रहा। इसको मैं स्टीम बेरी खिलाऊँ क्या? अबे यार इसकी हेल्थ कम है मर बिर ना जाए, इधर आ जा भाई। मैं जो ना गाइज इसको स्टीम बेर खिला के देखता हूँ, क्योंकि स्टीम बेर वाली ट्रिक जो है ना भाई फियो में के ऊपर तो ट्राई मतलब वर्क करती है। देखते हैं भाई हम जो है ना भाई, अरे ग्रिफिन फॉलो कर रहा है क्या? इधर आ। वैसे ग्रिफिन फॉलो कर रहा था मेरे को, इसके पास कुछ है क्या? इसेंस भी सेंस नहीं है ना, ठीक है चलो रेन दो। फिर मैं जो ना गाइस इसको भाई वो स्टीम बेरी ही ला के देखता हूँ। मैं भी ये जो ना पॉटी बिटी कर दें, मेरे को समझ में ना आ रहा कि स्नो पैलेट बिलेट जो ना भाई कैसे मिलेंगे मेरे को। ओके वी गो, आई थिंक मेरे को मारना पड़ेगा स्नो आउल्स को शायद, मेरे को ऐसे ही लग रहा है पॉटी बिटी से नहीं मिलेगा शायद भाई। खा ले भाई, खा ले खा ले खा ले। पॉटी करेगा भाई? ये पॉटी करने का नाम ही नहीं ले रहा। ओके भाई इसकी फुल हेल्थ हो गई भाई, हेल्थ कैसे फुल हो गई? मैंने तो इसको पोशन भी ना खिलाया। स्ट्रेंज स्ट्रेंज है भाई, देख रहे हो मुंडे कैसे हिला रहा लंडे है बाइट अटैक है। लेफ्ट क्लिक सी पे, ओ एक्सरे विजन, एक्सरे नहीं नाइट विजन है कैसे, ठीक है ये कैसे अपना नाइट विजन हीट डिटेक्टिंग विजन बोल सकते हो भाई। ये जो ना भाई डायनोज की हीट जो है ना भाई वो डिटेक्ट कर सकता है, देख रहे हो देख रहे हो, किसी भी कोण में छुपा हुआ डायनो गाइस ये जो है ना भाई उसकी हीट डिटेक्ट करके आप उनको बता सकता है कि वो डायनो कहाँ पे है भाई, ठीक है ये नेचर है ना ना स्टोन वाला क्रीचर है भाई। देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है मेरे को इसका फीचर।
लेकिन गाइस मेरे को इसकी पेल्ट चाहिए थी जो कि मेरे को अभी तक मिली नहीं है, और मेरे को लग रहा है कि दूसरे स्नाउल्स को मारने से मिलेंगी भाई। अब ये फ्रीज करता है ना, हाँ ये फ्रीज करता है गाइस, रुक जाओ ये देखना अभी ये देखना टडा, फ्रीजिंग टाइम ब्रो, आहा यस, ये देख रहे हो गाइस, देख रहे हो ब्रोंटो को किस तरह से मैंने फ्रीज कर दिया भाई, पूरा का पूरा भाई मजा आ गया। इस फ्रीजिंग से क्या होता है बताए क्या, ये खुद की तो भाई अभी हेल्थ बढ़ा ही लेता है, लेकिन जो भाई एनिमीज होते हैं भाई, ये देख रहे हो, ये ब्रोंटो की भी हेल्थ जो है ना बढ़ाना शुरू कर देगा। अगर मैं इसको एक पप्पी देता, जादू की जप्पी देता, ये देखो देखो भाई, अबे ये भाई जादू की जप्पी से कुछ ना होने भाई, 2000 का डैमेज, भगवान से डर लतीजा भाई, 2000 का डैमेज दे रहा तू, बहुत ज़्यादा गंदा डैमेज दे रहा भाई, वाटर डायनो तो भाई बहुत ज़्यादा गंदा डैमेज देगा क्या। अभी देखना मेरा टॉयलेट है गाइज, अभी अबे यार इस नॉवल ने कुछ तो करा, पोटी करा, उसका प्लेट वो गिर गया नीचे भाई, वो रहा प्लेट, ए भाई यार छोड़ सॉरी भाई, इसने पोटी कर दी भाई, अगर ऐसा ही है तो भाई इससे अपन बहुत ज़्यादा पोटी जो ना वो इकट्ठा कर सकते हैं। वेट अ मिनट, ये रही गाइज उसकी प्लेट, ओके नाइस भाई, मेरे को मिल चुका है गाइज एक पोटी, मेरे को एक पोटी मिल चुका है भाई, और पोटी करवा और पोटी भाई, और दो पोटी चाहिए मेरे को इसकी भाई, और दो पोटी चाहिए भाई, ठीक है और दो पोटी मिल गई ना तो अपना काम हो जाएगा गाइस, ठीक है रुक जाओ, इसने पोटी कैसे करी थी, आई थिंक इसकी जब हेल्थ ऐसे जाना शुरू हो जाती है ना तो आई थिंक ये पोटी करता है गाइस, ठीक है तो भाई करना, अरे अंकल भाई, अरे क्या कर रहा भाई, करवाना भाई इसे पोटी करवाना रुक जाओ गाइस, होगा गाइस, ठीक है रुक जाओ, वेट अ मिनट, हियर वी गो, हेल्थ में डाल देता थोड़ी सी पॉइंट्स, ऑलराइट हियर वी गो, कम ऑन मेरे को तीन पोटियाँ चाहिए भाई, अगर मेरे को उसको जो है ना भाई यहाँ पे टेम करना ना, वो सांता क्लॉज वाले सांता क्लॉज ने कुछ एलिमेंटल गाचा बिछा था उसको, तो मेरे को तीन पोटी चाहिए होंगी भाई। अबे भाई भाई क्या करना पोटी भाई, क्या भाई डायनो की पोटी भाई, होने का इंतजार करना पड़ रहा है यार मेरे को, कोई पोटी बीटी पोशन नहीं है क्या जिससे डायनो पोटी करना शुरू कर दे, उसको फ्रीज कर दूँ क्या भाई, भाई साहब मैं खुद को फ्रीज कर रहा था यार, नहीं कर रहा गाइस, मेरे को जो है ना गाइस इसके पोटी करने का जो ना गाइस इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है चलो भाई इसको माफ कर देते हैं, रेन दो भाई इससे ना हो पाएगा, ठीक है गाइस अपन माफ कर देते उसको, अपन यहाँ से भाई डायरेक्टली निकल लेते क्योंकि अपने राहुल से ना होने वाला है, मैं जो ना भाई ऑफलाइन में थोड़ा सा इंतजार कर करके जो है ना भाई जब ये पोटी करेगा ना वो उठा के रख दूंगा, एंड शायद अगले एपिसोड तक जो है ना भाई अपने पास उतनी पोटीज हो जाएंगी, ये पोटीज मतलब उसकी पेल्ट बिल्ट जो भी है ना भाई, ये इससे जो ना भाई हम बड़े आराम से उस गाचा को टेम कर लेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, ये हमारा खतरनाक सा स्नो आउल जो है ना, और इसको ये वाला विजन भाई लुक कूल भाई, क्या कूल लग रहा है गाइस, अरे क्या ही कुल लग रहा है खतरनाक यार। तो गाइस ये वाला जो विजन है ना गाइस इसका, ये आपको कैसे लगा मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना, अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और गाइस इस स्नो आउल के लिए जो ना भाई ये जो है ना गाइस मेल है, तो मेल वाले नाम जो है ना भाई वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते गाइस सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवोल्व के गाइस, आर्क एलिमेंटल के, तब तक के लिए बाय, एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's